हमारे 8 month of pregnancy में हैं. It's a very good time actually. You're settled in pregnancy and actually waiting for the newborn. 2 महीने और everything will be in place. All this weight that you're carrying will be worth it when you see your beautiful baby in your arms. इस समय बच्चे में बहुत नए changes नहीं होते हैं, लेकिन उसका size और weight grow कर रहा है. अब उसका साइज है करीब 13 inches और उसका वेट होगा करीब 2.5 kg. आप देखेंगे कि आपका वूम्ब भी बढ़ रहा है और आपके लोअर बैक में और शोल्डर्स में भी थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ रहा है. लेट्स स्टार्ट विद द 8 month प्रेगनेंसी वर्कआउट्स राइट नाउ एंड मार्च 2, 3, 4. करते रहिए जितना कर सके. अगर आप डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं तो हमारे पैर जो है थोड़े से हम साइड भी कर सकते हैं, मेकिंग स्पेस फॉर द बम. And we'll start with the base move right now. Side, 2, 3, 4. This is just to build up your pace by giving you a simple exercise. ताकि जो लोग कभी exercise जिन्होंने नहीं की हो, वो भी इन exercises को आराम से कर सकते हैं. Heart beat rate और थोड़ा सा बढ़ाएंगे. And up, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One more set of these. Breathe करते रहिए. अपने आप को एक पेस में ला दीजिए, एक बीट रूटीन बना लीजिए एंड मार्च एट योर प्लेस. 1, 2, 3. हम लोग थोड़ी सी स्ट्रेचेस करेंगे अभी व्हाइल वी डू द वार्म अप. वॉच मी एंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड अप. 5. स्ट्रेच योर काफ मसल्स. मेरे पैरों में भी सूजन हो रही है. मालिश की जाती है अच्छे से शाम को, मज़ा आता है. हम उनको स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही रहे. चेंज करेंगे साइड एंड अप एंड डाउन, अप. अच्छा लग रहा है? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये मूव करते हुए. अप एंड डाउन. प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में देयर विल बी लेस ऑफ एक्सेस वर्कआउट एंड देयर विल बी मोर ऑफ स्ट्रेचिंग. अप एंड डाउन, अप. लास्ट वन, शोल्डर के एक मूव करेंगे. बहुत अच्छी बात है कि आपके शोल्डर्स को रिलैक्स करने का एक मौका मिलेगा. वॉच मी, अप, 2, 3. एक्चुअली जब आप प्रेग्नेंट होते हैं शोल्डर्स को हम इस तरह से बेंड करने लगते हैं क्योंकि ब्रेस्ट का वेट आने लगता है और बेबी के वेट के कारण हम इस तरह से मूव करने लगते हैं. हम अपना पोस्चर ठीक रखेंगे. वॉच मी एंड शोल्डर्स, अप. 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप करेंगे. वॉच करेंगे. आउट एंड इन, आउट इन, आउट एंड ब्रीद, ब्रीद आउट, आउट एंड स्टॉप. Now that was an excellent warm-up. Let's get started with the 8 month floor exercises. All you need is some water to drink and a floor mat. So आइए floor mats लेते हैं और exercise शुरू करते हैं. आइए शुरू करते हैं हमारी पहली exercise से. इसको हम करेंगे cat pose या cow pose जिसे कहते हैं उसमें. पंजे खुले हुए, हाथ सामने, पैर पीछे और मुझे देखिए breathe करते रहना है इस exercise के दौरान. एक हाथ और एक पैर raise करेंगे ऐसे. जितना स्ट्रेट कर पाए उतना स्ट्रेट रखें. एंड बैक. स्लो एक्सरसाइजेस हैं, आराम से करिए, अपने पेस पे करिए. अदर हैंड एंड लेग. ब्रीथ करते रहिए. अगर आप थक जा रहे हैं तो रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड बैक. एंजॉय करिए. आप केवल स्ट्रेच कर रहे हैं बटक्स के मसल्स, हैंड्स के मसल्स, थाइस. लास्ट वन. अब हम अपनी पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे. मुझे देखिए, हाथ सामने, सेम कैट पोज एज बिफोर एंड ब्रीद इन. As you come up,
Breathe out as you go down. Breathe in. Breathe out. Breathe out. बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे सिंपल एक्सरसाइज साइड रेजेस की। इसके दो वेरिएशंस हैं। मुझे देखिए, मेरी बॉडी ऐसे है साइड में, अपने बेबी बम्प को संभाल के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप रेज करेंगे बॉडी, देखिए इस तरह से रेज करिए, सपोर्ट लीजिएगा और बॉडी रेज एंड बैक अप एंड बैक। मेरा बेबी तो सो रहा है, आपका पता नहीं क्या कर रहा हो। आराम से एक्सपीरियंस करिए इस प्रेगनेंसी को एंड द ब्यूटी एंड द मिरेकल दैट योर बेबी इज इनसाइड यू। रिलैक्स। अगर आप एक्सरसाइज करते आ रहे हैं तो आप इसकी हाई इंटेंसिटी मूव भी कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, इट्स एन ऑप्शन। तो देखिए, बॉडी रेज एंड डाउन, पैरों को पीछे भी रख सकते हैं, रेज करिए एंड डाउन। फिलहाल हम स्लो वर्जन में जाएंगे, वॉच करिए, अप और डाउन, फिर से अप और डाउन, दो बारी और डाउन, लास्ट वन, डाउन। बहुत बढ़िया। अब हम इसी एक्सरसाइज को दूसरे साइड पे करेंगे। आराम से मूवमेंट रखिए। एक्चुअली मेरा खुद का पेस भी अभी स्लो होता जा रहा है, वजन बड़ा है तो थोड़ा मूवमेंट मुझे ज्यादा करना पसंद नहीं होता, तो मैं स्ट्रेचेस वगैरह करती रहती हूँ। वॉच करिए, बॉडी अप एंड डाउन, आराम से बॉडी अप, सपोर्ट भी ले सकते हैं एंड डाउन। अगर आप ज्यादा अनुभवी हैं एक्सरसाइज में तो आप ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। अपनी बॉडी की सुनिए, याद रखिएगा उतना ही करें जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। एंड डाउन, एक्सेलेंट जॉब। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम विद सम स्ट्रेचिंग टू द साइड। वॉच करिए, साइड, it's a good time, beautiful time, I'm enjoying my stretches. अब हम अपने बेबी को हग करेंगे, हग योर बेबी एंड रिलीज। द बेबी इज गोइंग टू बी आउट इन जस्ट अबाउट 2 months. प्यार करिए अपने बच्चे के साथ, अपने शरीर के साथ। द हाउस ऑफ योर बेबी, इट्स योर नेस्ट। Last time, release. Good job, ladies. It was an excellent workout and an excellent stretch out routine. I hope you had a lot of fun. बहुत बढ़िया exercises थी। आपके जोश की दाद देनी पड़ेगी। I'm very happy that you've kept up your exercise routine with me. बढ़ते हुए बेबी बम्प के कारण थोड़ी थोड़ी कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, बट दे आर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, सो एन्जॉय दिस टाइम। आई एम हैविंग अ गुड टाइम। जस्ट मेक श्योर दैट आपके शोल्डर्स बैक हो, चेस्ट आउट हो और स्टमक इन हो। वॉक करते समय प्लीज मेंटेन योर पोस्चर, बिकॉज यू हैव टू गेट बैक टू फिट प्रेगनेंट मॉम आफ्टर यू डिलीवर द बेबी एज वेल। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल फिटविट।